ये प्रधानमंत्री जी जब जापान जाते हैं, प्रधानमंत्री जी यहीं से जीते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, बुद्ध की मूर्ति सर पर, मुझे बुद्ध विहार दिखाओ। और यहाँ पर उन्हीं की धरती पर जहाँ से वो सांसद हैं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को पूजा पाठ से रोका जाता है। लेकिन बौद्धों के ऊपर जुल्म होता है, बौद्धों को अपने अनुसार जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो धार्मिक राइट्स हैं, जो संविधान में प्रदत्त हैं, जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उनका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। हम मोदी जी क्योंकि यहाँ से सांसद चुने गए हैं, मोदी जी आपको गंगा ने बुलाया था और हम आपको बुला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कि आओ और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। आओ, ये आर्कियोलॉजी भगवान बुद्ध का जो संघ था एक समुद्र की तरह था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, छद्मवेश सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे, जो डांके डालता, नृपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक दाम पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया नौछावर कर देते। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉम था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदास पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, भाग का सब ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा था। इस धर्म में बैठ कर कोई हीन भावना नहीं होती, जो जितना चरित्रवान होगा उतना वो बौद्ध धर्म का अधिकारी होगा, जो जितना शीलवान होगा वो उतना धर्म का अनुयायी होगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सारनाथ में, यहाँ पे भंते जी हैं और यहाँ जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है कुछ भंते को रोका गया था यहाँ पे पूजा वंदना करने से, उसी विषय पर बात करेंगे। किस लिए रोका गया था सर? सर किस लिए रोका गया था यहाँ पे उस दिन जो है पूजा वंदना करने से, अंदर आने से? पूना से कोई उपासक लोग आए थे अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में, तो यहाँ पर यहाँ के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया गया। वैसे यहाँ सैकड़ों साल से 1918 से लगातार पूजा होती आई है, लेकिन ये नया नियम कि परमिशन लेंगे, ऐसा कहीं भी आर्कियोलॉजी की जगह पर, चाहे बुद्ध गया है, चाहे सारनाथ है, चाहे नालंदा है, चाहे वैशाली है, चाहे बुद्ध गया है, चाहे और कोई जगह है, चाहे संकिसा है, कहीं भी ऐसा नियम नहीं कि 15 दिन पहले अनुमति लो। ये बौद्धों की जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला दुख और दुख के निवारण का 4 असत्य का पहला उपदेश दिया और यहाँ पर 5 भिक्षुओं को पहले दीक्षित किया और पांचों के पांचों ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, असुजित, महानाम। अब ये नया नियम कहाँ से आ गया? ये जो धम्मिक स्तूप है ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये बौद्धों की परंपरा से प्राचीन संपत्ति है। आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये देख लिया तो ये भी किसी बौद्ध ने बनाया था, जिसका नाम अशोक था उसने बनाया था, लेकिन आज पूरे देश में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, यदि बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर उपासकों को पूजा पाठ की अनुमति मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर नहीं दी गई तो पूरे देश में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और आज यहाँ पर 1,000 आए हैं, यहाँ पर 1,00,000 भी आएंगे, 2,00,000 भी आएंगे, 10,00,000 भी आएंगे और यहाँ पर अपना बुद्ध विहार भी बनाएंगे हम लोग। तो हम कहना चाहते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों से कि वो शांति से काम लें। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन शांति का मतलब हम शमशान जैसी शांति नहीं चाहते। आप हमको मारो और हम शांति की बात करें, आप हमारे बुद्ध विहारों को उजाड़ो हम शांति की बात करें, आप हमारी धार्मिक परंपराओं को आघात पहुंचाओ हम शांति की बात करें। जहां पर धर्म को आघात पहुंचेगा वहां पर हम चुप नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये प्रधानमंत्री जी जब जापान जाते हैं, प्रधानमंत्री जी यहीं से जीते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, बुद्ध की मूर्ति सर पर, मुझे बुद्ध विहार दिखाओ। और यहाँ पर उन्हीं की धरती पर जहाँ से वो सांसद हैं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को पूजा पाठ से रोका जाता है। ये चाहे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हों, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग इस देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये यहीं पर नहीं, जापान के लोग सुनेंगे तो इस देश को क्या कहेंगे, थाईलैंड के लोग सुनेंगे,
श्रीलंका के लोग सुनेंगे, लाओस के लोग सुनेंगे, कंबोडिया के लोग सुनेंगे, सिंगापुर के लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भारत जैसे देश में बौद्धों के ऊपर धर्मनिरपेक्षता की बात भारत करता है, लेकिन बौद्धों के ऊपर जुल्म होता है, बौद्धों को अपने अनुसार जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो धार्मिक राइट्स हैं, जो संविधान में प्रदत्त हैं, जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उनका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। हम मोदी जी क्योंकि यहाँ से सांसद चुने गए हैं, मोदी जी आपको गंगा ने बुलाया था और हम आपको बुला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कि आओ और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। आओ, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग जो वहाँ पर लगाए हैं, जो वहाँ पर चपरासी हैं, कौन हैं, दरवान हैं, वो भिक्षुओं के साथ बदतमीजी करते हैं, भिक्षुओं के साथ अब बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, भिक्षुओं के साथ इसका मैसेज सारी दुनिया में जाएगा। हम कहना चाहते हैं बौद्ध धर्म किसी एक जाति का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म किसी वर्ण का नहीं है, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का धर्म समूचे मानवता का है। भगवान बुद्ध का जो धर्म था, भगवान बुद्ध का जो संघ था, एक समुद्र की तरह था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, छद्योता सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे, जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता, अम्बपाल काशी नगर बदू थी जिसके एक एक दाम पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया नौछावर कर देते, सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डोम था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाका सब ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा था। इस धर्म में बैठकर कोई हीन भावना नहीं होती, जो जितना चरित्रवान होगा उतना वो बौद्ध धर्म का अधिकारी होगा, जो जितना शीलवान होगा वो उतना धर्म का अनुयायी होगा। भगवान बुद्ध के धर्म में हम शांति में विश्वास करते हैं, हम शील में विश्वास करते हैं। जिस भगवान बुद्ध ने इस धरती पर बैठकर यहाँ पर जो दुख का कारण और निवारण का उपदेश दिया, जो सारी दुनिया में गया, इस देश का नाम ऊंचा भगवान बुद्ध ने किया है। इस देश को भगवान बुद्ध ने संदेश देकर जापान और चाइना, आपको बताएं यदि यहाँ पर पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं दिया तो आपको बताएं हमारा आंदोलन अरुणाचल में होगा, असम में होगा, मिजोरम में होगा, मेघालय में होगा, त्रिपुरा में होगा, लद्दाख में होगा, जो सरहदें टच करती हैं। हम चाहते हैं कि ये देश सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं इस देश में शांति बने रहे। यदि यहाँ की शांति भंग होती है तो इस शांति के जिम्मेदार यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग होंगे। इसलिए भविष्य में किसी भी बौद्ध भिक्षु को न रोका जाए, किसी भी उपासक को न रोका जाए। हम केवल एक ही अनुरोध करते हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात ना करें, हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन ना करें, हमारी जो हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम उसको मांग रहे हैं। हम यहाँ पर कोई आगजनी करने नहीं आए, हम यहाँ कोई लूटपाट करने नहीं आए, हम यहाँ कोई अशांति फैलाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, लेकिन आप लोग हम शांति से बैठते हैं, हम केवल ध्यान करते हैं, उससे भी तुम्हें तकलीफ होती है। आपको बताएं अरबों रुपया डॉलर का फायदा टूरिज्म के आधार से जो बुद्धिस्ट कंट्रियों से देश आते हैं, भारत के खजाने में लाखों करोड़ों डॉलर जाते हैं। यदि ये यात्री रुक जाएंगे करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, और ये जो परमिशन की जो इन्होंने नियम बनाया है, इस परमिशन से भ्रष्टाचार फैलेगा, इस परमिशन से रिश्वत फैलेगी। कोई आदमी आ रहा है जापान से, कोई आ रहा है थाईलैंड से, 15 दिन पहले वो अनुमति कैसे लेगा? 2 दिन के लिए आता है पूजा करने के लिए और फिर वो तुमसे परमिशन ले, फिर 15 दिन यहाँ पर बैठे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, उसको वीजा मिला है 10 दिन का, उसको वीजा मिला है 5 दिन का, वो सारे तीर्थ स्थानों पर जाएगा, एक एक दिन करके कट जाएगा। तो ये नियम जो बनाया है परमिशन का, वो नियम नहीं चलेगा, ये केवल सारनाथ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने किया है। आपको बता दें ये सारनाथ के पुरातत्व के विभाग के अधिकारियों, आपको हम आगाह करते हैं, यदि आपने नहीं माना तो अब तो यहाँ पर 10,000 लोग आए हैं, अब कि यहाँ पर 1 लाख और 2 लाख लोग आएंगे और हम लोग यहाँ पर निरंतर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम अगली सवाल ये, आज के बुद्ध पूजा में कितने कहाँ के लोग, कितने लोग आए थे, हजारों की भीड़ थी, कहाँ कहाँ से आए थे?
ये पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, इसमें महाराष्ट्र से भी आए हैं, अन्य जगह से भी आए हैं। ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि सैकड़ों संस्था के लोग आए हैं, तो पूरी इंडिया से आए हैं। लेकिन अभी क्या है, ये संस्था के लोग आए हैं, लेकिन जब संस्था के अनुयायी और हर क्षेत्र से, हर जिले से जब लोग आएंगे तो यहाँ पर लाखों की तादाद हो जाएगी, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो शांति के पुजारी हैं, लेकिन आप उपासकों की भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी भड़क सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हम सबको नहीं समझा सकते। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि उनको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का बेहूदापन वो भविष्य में कभी। धम्म की स्तूप सारनाथ से बोल रहा हूँ, और ये यूट्यूबर का क्या नाम है, भीमराज दस्तक को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज इसी प्रकरण के रूप में आया, मैं भदंत करुणाकर महाथेरा, बोधगया महाबोधि महाविहार लिबरेशन फ्रंट का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और यदि हम लोग, जो लोग यदि अब के किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार होता है, तो मैं देश के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि वो DM को अपना प्रतिवेदन और अपना मेमोरेंडम दें, हर जिले में दें, राष्ट्रपति के नाम दें, प्रधानमंत्री के नाम दें, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के नाम दें कि इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम इन बातों से रुकने वाले नहीं हैं। बुद्ध गया में भी ऐसा हुआ था, लेकिन बुद्ध गया में एक बार में ही बंद हो गया। बहुत सी जगह पर ये करते हैं, देखते हैं, ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ये केवल एक्सपीरियंस देखते हैं कि देखिए कोई भड़केगा कि नहीं भड़केगा। अरे दिमाग से निकाल दो, पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। यदि थोड़ा सा भी जुल्म होगा तो ये समाज जागरूक है, आंदोलित होगा। 23 मार्च को जो है यहाँ पे कुछ भंते लोगों को रोका गया, उसके परिपेक्ष में यहाँ पे हजारों की भीड़ बौद्ध अनुयायियों की आई थी और यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन दिखाई, और यहाँ पे ऐलान भी भंते जी कर रहे हैं कि अब जातिवाद किया जाएगा, तो है अरुणाचल और भी देश विदेशों में जो है आंदोलन किया जाएगा।